नमस्कार, आज अपने इतिहास की क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम ये जो अपनी पहली वीडियो है इसमें अपने शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास क्या है, कितने भागों में डिवाइड है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। इतिहास का वर्गीकरण हमारा पहला टॉपिक रहेगा। साथियों, जब अपने इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है स्टूडेंट्स के, कि जहां अपने जो पोर्शन पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, हम है कहां पे, प्रागैतिहासिक क्या होता है, पाषाण क्या होता है, नवपाषाण क्या होता है, मध्यकालीन कौन सी हिस्ट्री होती है, आधुनिक काल कौन सा होता है। जब तक हम इन चीजों को क्लियर नहीं करते, हिस्ट्री का फॉर्मेट क्लियर नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमने कहां तक इतिहास पढ़ लिया और आगे हमें कौन सी चीजें पढ़नी है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम क्रमबद्ध रूप से पढ़े तो ही बढ़िया तरीके से समझ में आता है, और क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के लिए जरूरी होता है हमें इतिहास का वर्गीकरण पढ़ना। तो सर्वप्रथम अपने लोग बात करेंगे यहाँ पे इतिहास का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, चाहे राजस्थान इतिहास हो, चाहे इंडिया का इतिहास हो, चाहे वर्ल्ड का इतिहास हो, मतलब तीनों चीजें जब भी अपने शुरू करेंगे तो ये मान के चलना ये मेरा जो टॉपिक है ये इतिहास का कैकबुत्र सिद्ध होगा। इसके बिना आप कभी भी इतिहास पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मैं बात करूंगा, सबसे पहले अपने शुरू करते हैं इससे पहले की बातें, कि आज से 30 से 40 हजार साल पहले, सीधी सी बात है, इतिहास किसका पढ़ेंगे हम, और जीव जंतुओं का नहीं पढ़ेंगे हम, केवल इतिहास पढ़ेंगे जो मानव से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मानव की बात करेंगे इतिहास की, तो हमें पता होना चाहिए कि मानव कब आया धरती पे। देखो, आज से 30 से 40 हजार साल पहले ज्ञानी मानव मतलब जो हम हैं, इसका मतलब है होमोसेपियन। क्या नाम है? होमोसेपियन। ज्ञानी मानव का उद्भव आज से 30 से 40 हजार ईसा पूर्व इस धरती पे हुआ था। 30 से 40 हजार साल पहले धरती पे ज्ञानी मानव आया था। उससे पहले का जो मानव था वो कैसा था? देखो, एक चीज हम पढ़ते हैं, कई जगह हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इस प्रकार से मानव, हमें पता है कि हमारे पूर्वज क्या हुआ करते थे, बंदर हुआ करते थे। फिर हमने एक ऐड देखी थी, सेंटर फ्रूट की एक ऐड देखी हमने, ठीक है, वो सेंटर फ्रूट की थी, पता नहीं मेंटोस की थी, ऐसी कोई ऐड थी, ठीक है, दिमाग की बत्ती जलाओ वाली आपने शायद देखी होगी। उसमें क्या है कि पहले वो बंदर की तरह चलता है और गधा उसके ऊपर क्या करता है, शासन करता है। फिर धीरे धीरे जब वो उसकी दिमाग की बत्ती जलती है तो धीरे धीरे उसने जानवरों को मार के खाना शुरू किया। फिर उसको लगा कि कच्चा मांस मेरे लिए सही नहीं है, तो उसने आग का आविष्कार किया। फिर उसी पशुओं की, मृत पशुओं की खाल से उसने अपने कपड़े पहनने लगा, कपड़े बना के पहनने लगा। तो मानव का जो विकास है वो धीरे धीरे क्रमागत रूप से हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रकार से मानव जो है उसके चार पैर हुआ करते थे, अग्रपाद और पश्चपाद इनको कहा जाता था। धीरे धीरे उसने क्या काम किया, अपनी ये जो रीढ़ की हड्डी है, इन जीवों को अपने कोर्डेटा श्रेणी में मानते हैं, कोर्डेटा साइंस में पढ़ते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। कोर्डेटा में क्या है, इसने अपनी रीढ़ की हड्डी अपनी उपयोगिता के हिसाब से थोड़ी थोड़ी सीधी करनी शुरू कर दी, और इसके जो अग्रपाद हैं उसका प्रयोग इसने टहनियों को पकड़ने में, पत्थर को पकड़ने में, इनमें काम लेना शुरू कर दिया। और साइंस कहती है कि जिस अंग का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वो अंग हमारे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जो अंग हमारे हम कम उपयोग में लेते हैं उन अंगों का जो धीरे धीरे ह्रास होने लगता है या वो लुप्त होने लगता है। अब देखो, हमारी आईब्रो की हम बात करें तो मैं बता देता हूं, इतनी बड़ी बड़ी आईब्रो हुआ करती थी जब हमारे अंदर घास फूस मिट्टी वगैरह आंखों में गिरती थी। हमारे कान भी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन साथियों तब हमारे जो हाथ नहीं होते थे, ये पैर होते थे। और हम गाय के लेख में पढ़ते हैं कि मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए पशु जो है वो कान का और पूंछ का प्रयोग करते हैं, तो हमारे कान भी बड़े हुआ करते थे, हमारी पूंछ भी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हमने अपने आगे वाले पैरों का रूपांतरण हाथों में कर लिया, अब हम इस प्रकार से ताली बजा के भी मच्छर को मार सकते हैं,
तो परिणाम स्वरूप कानों का प्रयोग और पूंछ का प्रयोग नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करें कि आज हमारे पास में पूंछ होती, हम आराम से सो सकते और उसके आगे एक रुमाल बांध के इस प्रकार से घुमा सकते थे, लेकिन हमने क्या काम किया, इस पूंछ का प्रयोग करना कम कर दिया और धीरे धीरे ये पूंछ क्या होगी, हमारी लुप्त होगी। लेकिन साथियों अवशेष हमेशा ही रहते हैं। आज हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी में हमारे 33 टुकड़े होते हैं बाल्यावस्था में, लेकिन वयस्क अवस्था में हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी में जो मेरुरज्जु है अपनी उसके अंदर क्या होते हैं, 26 टुकड़े होते हैं। तो बाकी के टुकड़े गए कहां, 4 और 3 कितने, 7 टुकड़े कहां गए। याद रखना वो 7 टुकड़े जो हैं वो हमारी पूंछ के टुकड़े थे। आप कभी भी देख लेना पूंछ का बैलेंस बनाने के लिए वो 7 टुकड़े थे जिनको कशेरुक कहते हैं, वो हमारे धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त। लेकिन बालक आज भी जब जन्म लेता है तो उसकी पूंछ की जगह छोटे छोटे रोम होते हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं। चलो छोड़ो ये बहुत पुरानी बातें होगी, ये हमने पढ़ लिया किस प्रकार से मानव का क्या हुआ, कर्मागत विकास। लेकिन साथियों अगर आपके मन में इच्छा हो कि सर आप ये बताओ कि मानव उस अवस्था में कैसा दिखता होगा कि आधा मानव और आधा बंदर, तो याद रखना आपको जाना पड़ेगा असम में, और असम में आपको एक बंदर दिखाई देगा जिसको कहते हैं श्वेत ब्रू गिबन। श्वेत ब्रू गिबन नाम का एक मानवाभ कपी आज भी असम के जंगलों में पाया जाता है। आधा बंदर रहेगा और आधा कैसा प्रतीत होगा, मानव। इतने 100 साल का सफर पार करने के बाद में भी ये कोई नई बात नहीं है, लक्षण आते रहते हैं। आज भी कई बार हमें पढ़ाई करते टाइम, कहीं पे बैठते टाइम या क्लास में हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के लक्षण देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा इतिहास है ये। इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट है मानव विकास के बारे में, इसको आप यूपीएससी में आरएस में किसी भी परीक्षा के अंदर आप बढ़िया तरीके से इसको क्लियर कर सकते हो। अब देखो इतिहास का वर्गीकरण मैं बताऊंगा, हिस्ट्री को मैं बांटूंगा यहाँ पे 3 भागों में, इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, ये मेरा रहेगा प्रागैतिहासिक काल, और 2 नंबर पे रहेगा अपना आद्य ऐतिहासिक काल। 2 नंबर पे कौन सा रहेगा, आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा, और 3 नंबर पे रहेगा यहाँ पे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल रहेगा, ऐतिहासिक काल रहेगा। देखो तीनों में बहुत ही मामूली सा और बहुत ही मजेदार डिफरेंस है, वो ये रहेगा इतिहास का वो कालक्रम जब ना तो हिस्ट्री लिखी गई ना ही हिस्ट्री पढ़ी गई, तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाया है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा टाइम देखो जब हिस्ट्री लिखी तो गई लेकिन हम उसकी लिपि जटिल होने के कारण उसको बढ़िया तरीके से पढ़ नहीं पाए, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा जो पार्ट है हमारा, इसमें हमारे पास में एक भाषा थी, एक लिपि थी, हम इतिहास को अच्छे तरीके से लिख पाए और आज हम उसको पढ़ भी पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के लिए आज का जो सिलेबस है, जो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते उनके लिए आज भी हमारा सिलेबस है तैयारी करना प्रागैतिहासिक काल जैसा है, ना तो उनको लिखा हुआ समझ में आता और ना उनको पढ़ना आता हो ध्यान से। अब देखो क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया, हिस्ट्री ना तो लिखी गई ना ही पढ़ी गई, तो आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि सर इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो याद रखना ये जो काल है इसको मैं नाम देता हूं पाषाण काल। जितनी भी जानकारी मिलती है वो पत्थर के औजारों से, गुफाओं से, कंदराओं से, कुल्हाड़ी से, या इस प्रकार के कोई या पत्थर के पहिए से जानकारी मिलती है, मतलब पत्थर की चीजों से इसके टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है, तो ये प्रागैतिहासिक काल है, इसको पाषाण काल भी अपने नाम में दे सकते हैं। अब देखो इसको मैं बांटूंगा 3 भाग में, और वो 3 भाग कौन से कहलाएंगे, साथियों ध्यान में रखना इतने यहाँ पे, पहला जो इसका भाग रहेगा वो रहेगा पूरा पाषाण काल, दूसरा इसका रहेगा मध्य पाषाण काल। ये मान लेना अगर ये टॉपिक आपका बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया तभी आप पूरी हिस्ट्री एक सीक्वेंस में याद कर पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि मौर्य के बाद में गुप्त आएगा या गुप्त के पहले मौर्य आएगा। कुछ बच्चे आज भी इतिहास में कंफ्यूज रहते हैं, वो इसमें रहते हैं कि सर चंद्रगुप्त मौर्य 2 थे क्या, लेकिन नहीं ये पता नहीं होता, चंद्रगुप्त मौर्य 1 ही था और बाद में गुप्त वंश हुआ उसमें 2 चंद्रगुप्त हुए थे। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। अब देखो इसी का तीसरा पार्ट रहेगा नवपाषाण काल,
इसका तीसरा पार्ट रहेगा नव पाषाण काल। देखो पाषाण काल को कितने भाग में डिवाइड किया हमने, तीन भाग में, पुरानी पाषाण काल, बीच पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, ये सीक्वेंस में चलेगी बातें। ज्ञानी मानव होमो सेपियन, धीरे 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 विकास हुआ और हमारे जैसी अवस्था में ये आने लग गया, मतलब जैसा मैं दिख रहा हूँ ठीक ठीक वैसा दिखने लग गया था, दाढ़ी के बाल वगैरह और जो सारी संरचना है, पर्सनैलिटी उतनी डेवलप उसकी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो समझदार हो गया था, उसको पता चल गया था कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, वो एक समूह में रहने लग गया था। अब देखो पत्थरों का उसने काम में लिया तो कर्मागत चलेगा, मेरा जो इतिहास है ये इस प्रकार से एक सीक्वेंस वाइज चलेगा, एक कहानी के माध्यम से चलेगा। सबसे पहले उसने क्या काम किया, ये देखो यहाँ पे कच्चा मांस खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या काम किया, बैठे बैठे दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर पड़े, जब फ्री बैठे हैं बिल्कुल निकम्मे होते हैं उसमें क्या करते हैं, कोई चीजें फेंक फेंक के मारते हैं, तो इसने भी क्या काम किया, इसके कोई काम नहीं था तो पत्थर के ऊपर पत्थर फेंक के मारा तो उसमें से चिंगारी निकली, चिंगारी निकली तो इसने सोचा भी बढ़िया लाइटिंग है, उसने और रगड़ा तो वहां पे आग उत्पन्न हुई। इसने सबसे पहले देखो कौन सा प्रयोग किया है साथियों, यहाँ पे आग का आविष्कार किया था, सबसे पहले इसने आविष्कार कौन सा किया है, आग का। मध्य पाषाण काल में इसके शारीरिक ढांचे में थोड़ा थोड़ा सुधार आता गया। देखो साथियों सुधार सभी में बराबर नहीं आता है, आज भी अगर बात करें तो सुधार किसी में पूरा हो चुका है, किसी में आज भी कमियां हैं। सुधार में या वर्ण संकर होने में, ये विकसित होने में हजारों सालों का टाइम लगता है। उदाहरण के स्वरूप हम बात करें कि इंडियन जो लोग हैं उनकी मूल जाति द्रविड़ थी, जो साउथ इंडिया में पाई जाती है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि सर साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, बिल्कुल जेट ब्लैक होते हैं वो, हमारा कलर ऐसा क्यों है, रंग बिरंगे हम मल्टी कलर में क्यों हैं? तो मैं बता देता हूं कि उत्तरी भारत ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो हमारे अंदर क्या है शक हूण कुषाण, इनके भी डीएनए थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है। नवपाषाण काल में उसने क्या काम किया, आग तो जलाना सीख लिया, अनाज को उसने भून के खाना, मांस को भून के खाना सीख लिया, लेकिन बैठे बैठे के दिमाग में आया कि अगर मैं सारा अनाज खा जाऊंगा तो आगे के लिए मेरे लिए अनाज कहां से आएगा, तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसने नवपाषाण काल में खेती करना शुरू कर दिया। बहुत ही मस्त बात है, मानव ने खेती करना, अब सीक्वेंस वाइज देखना, खेती करेगा तो पशुपालन भी करेगा, तो इसने क्या काम किया, पशुपालन, खेत है पशुपालन है तो आवास एक स्थाई बना के रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि हर कहीं घूम रहा है पशु कहीं घूम रहे हैं। तो देखो यहां पे चौथी बात जो है, तीसरी बात, मानव ने स्थाई आवास का निर्माण कब किया था, नवपाषाण काल में। अब देखो जमीन है, पशु है, घर है, मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हो गई है इसके पास में, खेती भी हो गई है, पशुपालन भी स्थाई आवास है, पशुपालन है तो फसल के लिए लाड़े ले जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी, अब बैल है लेकिन बैलगाड़ी नहीं है, तब इसने क्या काम किया, इसके दिमाग में प्रश्न आया था कि पहिया बनाऊं मैं, क्या बनाऊं, पहिया, और दुनिया का पहला वैज्ञानिक आविष्कार कहलाता है पहिए का आविष्कार, जो नवपाषाण काल में हुआ था। मैं इसको वैज्ञानिक आविष्कार पहला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खेती ये वैज्ञानिक चीजें नहीं है, पहिया वैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि पहिया अगर वो चौकोर बनाता तो शायद उसका घूर्णन नहीं हो पाता। हम साइंस में पढ़ते हैं कि जो चीजें चौकोर होती है उनके अंदर स्थैतिक घर्षण बल होता है, जो घर्षण में कामयाब नहीं होता, लेकिन जो चीजें गोल होती है उनके अंदर क्या होता है, लोटनी घर्षण बल होता है, और लोटनी घर्षण बल में घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है, वो चीजें ज्यादा अच्छे से लुढ़क पाती है, ये साइंटिफिक रीजन है। इसलिए पहिए का आविष्कार दुनिया का सबसे पहला वैज्ञानिक आविष्कार माना जाता है। तो यहां तक की बात साथियों, मैंने प्रागैतिहासिक काल की बातें कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में देखो क्या हुआ, घर है, जमीन है, पशु है, सारी चीजें हैं, तब उसने छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बस्तियां, अलग अलग बस्तियों में वैवाहिक संबंध भी बनने लगे और एक जगह रहने लगे तो पता चलने लग गया भी ये पिता है, ये पुत्र है, एक सामाजिक जुड़ाव हो गया। वहीं से मानव थोड़ा थोड़ा सभ्य हुआ, व्यापार करना शुरू कर दिया उसने, चीजों का लेन देन करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये चीजें मानव में आ जाती है व्यवहार, तो वो टाइम कहलाता है सभ्यता का, वो टाइम क्या कहलाता है, सभ्यता।
तो यहां पे अपने पहला पार्ट आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में मानव ने व्यापार और थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया। लिखना शुरू करेगा कौन सा मानव, जो सभ्य होगा वही करेगा। इसके बाद में क्या हुआ था, जब यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो समृद्ध हो गई और फलने फूलने लगी, तब उनके ऊपर बाहरी लोगों का, विदेशी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और यहाँ पे इन लोगों पे कब्जा करने के लिए मध्य एशिया से आए थे आर्य, और आर्य ने यहाँ पे एक नई संस्कृति चलाई जिसको कहते हैं वैदिक संस्कृति, या ये काल कहलाएगा वैदिक काल। वैदिक काल में चार वेद लिखे गए, तो पूरे वैदिक काल को मैं डिवाइड करूंगा दो भागों में। पहला रहेगा साथियों यहाँ पे ऋग्वेदिक, पहला रहेगा ऋग्वेदिक काल, और दूसरा पार्ट रहेगा तीन वेदों वाला जिसको मैं नाम देता हूं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल यहाँ पे मैं नाम देता हूं। तो वैदिक काल के कितने पोर्शन बनते हैं, यहाँ पे दो पोर्शन बनते हैं। अब देखो हाँ, यहां तक की कहानी समझ में आ गई हमें। मानव सभ्य हुआ, व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार भी किस प्रकार का हुआ करता था, उस समय वस्तु विनिमय प्रचलन में था, याद रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता की मूल जाति कौन सी थी, द्रविड़ जाति थी। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है, मेरे पास में मोटरसाइकिल है, आपके पास में कार है, आज मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है केवल, ठीक है, और आपके आपको कार की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, आपको मैं मेरी मोटरसाइकिल दे दूंगा और आपने बदले में मेरे को क्या दे दी है, कार दे दी है एक दिन के लिए। तो ये जो हमारा विनिमय हुआ, ये कौन सा विनिमय कहलाया, वस्तु विनिमय कहलाया था। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जैसे मान लो अपने कालीबंगा में यहाँ पे कपास का व्यापार होता था, तो कपास भेजती उन जगह पे जहां कपास की कमी है, मान लो मेसोपोटामिया भेजती ईरान में, और ईरान जब गए तो वहां हमने देखा कि वहां पे तंदूर बनते हैं, तो हमने क्या काम किया, वहां से तंदूर लाने शुरू कर दिए। तो ये विनिमय कौन सा विनिमय है, ये वस्तु विनिमय हो जाएगा, इसके बाद में मुद्रा विनिमय चलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता हुई, आर्यों के टेक हुए, यहाँ पे वैदिक संस्कृति का जन्म हुआ। वैदिक काल को मैंने डिवाइड किया दो भागों में, यहां तक की बात होगी। इसके बाद में जो है हमारा इतिहास है वो आता है कौन सा इतिहास, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल रहेगा, ऐतिहासिक काल। साथियों ऐतिहासिक काल को मैं फिर डिवाइड करूंगा तीन हिस्सों में। तो ऐतिहासिक काल रहेगा, पहला पार्ट रहेगा प्राचीन भारत, दूसरा रहेगा मध्य भारत, मध्यकालीन भारत, ठीक है, और तीसरा पार्ट रहेगा आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक भारत रहेगा। अब देखो इनमें क्या, ये वो समय है जब इतिहास लिखा गया और इतिहास बढ़िया तरीके से पढ़ा भी गया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, प्राचीन भारत में देखो इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, इतना बड़ा जब क्षेत्र बन गया तो इसको चलाने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ी। जब राजा की आवश्यकता पड़ी तो छोटे छोटे जन बनने शुरू हो गए, मतलब कबीले या राज्य बनने शुरू हो गए। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे राजा बनने लगे और जनपद बनने लगे। तो प्राचीन भारत में सबसे पहली बात आती है महाजनपद काल, महाजनपद काल। इनमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मौर्य भी आ जाएंगे, मौर्यों के बाद में यहाँ पे जैसे गुप्त भी आ जाएंगे, इसके बाद में यहाँ पे जैसे बौद्ध धर्म भी है, बौद्ध धर्म के साथ में यहाँ पे कौन सा धर्म है, जैन धर्म भी हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में देखो अब 712 ईस्वी का जब समय आया तो हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और जब सोने की चिड़िया थी तो इस सोने की चिड़िया पे पूरी विश्व की नजर पड़ गई, और 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण यहां पे हुआ, और ये टाइम पीरियड हमारा चला था 1707 तक, जब औरंगजेब नाम का एक मुगल यहाँ पे मर गया था। तो देखो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी के बीच का टाइम मध्यकालीन भारत कहलाएगा, और फिर मुगलों का और मुस्लिम आक्रांताओं का शासन खत्म होते ही यहाँ पे अंग्रेजों का शासन शुरू होता है।
1707 से 1947 तक चला वो हमारा आधुनिक भारत कहलाता है। अब देखो अगर इनके कालक्रम की मैं बात करूं तो कालक्रम इनका ध्यान में कर लेना, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल है इसका टाइम रहेगा कौन सा रहेगा, इसका टाइम अनंत मतलब पता नहीं हमें, वहां से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम हमारा कौन सा कहलाएगा, पूरा पाषाण काल कहलाएगा। मध्य पाषाण काल हमारा रहेगा कौन सा, देखो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम हमारा कौन सा कहलाएगा, मध्यकालीन भारत कहलाएगा। नव पाषाण काल का जो टाइम रहेगा हमारा 4000 से लेकर यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व तक के बीच का टाइम में क्या कहलाएगा, हमारा नव पाषाण काल कहलाएगा। यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एक बार आप इसका बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और अभी मैं जगह कम पड़ गई आगे और करवाऊंगा महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब यहां अपन लोग बात करेंगे, देखो यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता में अपने लगभग मान के चलेंगे 2500 से 2000 ईसा पूर्व से लेकर यहां तक 1500 ईसा पूर्व के बीच का टाइम है। इसका सही टाइम तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है 1700 से 2400 के बीच का बताया जाता है, लेकिन केवल हम जो है ये फॉर्मेट के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना यहाँ पे लगभग, मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का टाइम क्या कहलाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कहलाएगा, लगभग कहा है मैंने। लेकिन कार्बन डेटिंग विधि के हिसाब से अगर पढ़े इसको तो कई जगह तो आपको मिलेगा 2500 से लेकर 1700 तक, लेकिन ज्यादातर हम पढ़ते हैं इसको 1700 से लेकर 2400 ईसा पूर्व के बीच का टाइम। और इसके अलावा अलग अलग जो विद्वान है उनके हिसाब से अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब देखो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब अलग विद्वानों द्वारा कितना कालक्रम बताया गया वो क्लियर आपको कराऊंगा। यहाँ फिलहाल अपने ध्यान में रखेंगे कि लगभग 2000 से लेकर जो एक सर्वमान्य मत है बीच का टाइम जो है, या अपने जैसे औसत देखते हैं वो टाइम लिया हमने, एकदम परफेक्ट टाइम नहीं लिया। अब देखो 1500 से लेकर 612 ईसा पूर्व के बीच का टाइम हमारा कहलाएगा वैदिक काल। अब वैदिक काल के दो भाग बनते हैं, तो यहाँ पे 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है हमारा ऋग्वेदिक काल रहेगा, और उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 612 ईसा पूर्व के बीच का टाइम हमारा कौन सा टाइम कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। और इस टाइम की अगर अपन लोग बात करें तो 612 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो टाइम है वो प्राचीन भारत कहलाएगा। ईसा पूर्व में और ईस्वी में डिफरेंस है, याद रखना। ईस्वी कैलेंडर जो है, ईसाई कैलेंडर जो है, वो आज जैसे सन 2020 है तो आज से 2020 साल पहले जो कैलेंडर शुरू हुआ उसको हमने नाम दिया है कौन सा, ईस्वी सन का कैलेंडर। लेकिन याद रखना जहां से पहला साल ईस्वी का शुरू होता है उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 जैसे साल चलते आए ये साल तो कहलाएंगे ईस्वी सन। लेकिन इस कैलेंडर के आज से 2000 साल पहले शुरू होने से भी पहले पुरानी बात है, उन बातों को, वो जो सन है उनको हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे उनको, ईसा पूर्व। और याद रखना ईसा पूर्व के आंकड़े सदैव ही उल्टे चलते हैं। क्या चलेंगे, उल्टे चलते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि जैसे सिकंदर जो है वो 326 ईसा पूर्व यहाँ पे आया, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत में आया, इसके बाद में 325 ईसा पूर्व वापस लौट गया और 323 ईसा पूर्व उसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। जब इन आंकड़ों को हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न आता है, ठीक है, मेरे भी आया था स्टार्टिंग में, ध्यान रखना कि गुरुजी पहले मर गया फिर लौटा और फिर आया, ये कहानी समझ से परे होती है। लेकिन ध्यान रखना साथियों इसके पीछे नाम जुड़ा है ईसा पूर्व। क्या नाम जुड़ा है, ईसा पूर्व। इसका अर्थ है कि
ईसवी सन के शुरू होने से भी पुरानी बातें हैं। अगर ठीक से समझना है इसको तो मैं ये कॉमन संख्याएं हैं ये काट देता हूं। मैं कहूं कि आज का दिन है वो ईसवी वाला कैलेंडर शुरू होने जा रहा है, ठीक है। आज के दिन ईसवी सन शुरू कर रहा हूं मैं, मान लो आज से कैलेंडर शुरू होगा। अब मैं आपसे कहूं कि आज से 6 दिन पहले कोई आदमी आया, 1 दिन रुका और आज से 5 दिन पहले यहां से वापस भी लौट गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं कहूं कि आज से जस्ट 3 दिन पहले कोई आदमी है उसकी डेथ होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का दिन ईसवी वाला दिन है, आज से 6 दिन पहले आया, आज से 5 दिन पहले वो वापस भी चला गया, आज से 3 दिन पहले उसकी मृत्यु भी होगी, ठीक है। तो अगर ये 6, 5, 3 अगर दिन है, अगर मैं इनको ऐसे कहूं कि आज से 6 साल पहले कोई आदमी आया था, या ये कहूं कि आज से 6 दिन पहले बच्चा कोचिंग में आया, आज से 5 दिन पहले बच्चा कोचिंग से वापस चला गया, आज से 3 दिन पहले बच्चे ने कोई और कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का दिन अगर मैं ईसवी मानूं तो मैं उस बच्चे के बारे में क्या लिखूंगा, यदि ये आंकड़ा सालों में हो तो मैं ये लिखूंगा कि 6 हिस्सा पूरा वो यहाँ पे कोचिंग में आया, 5 हिस्सा पूर्व कोचिंग छोड़ के चला गया और आज से 3 हिस्सा पूर्व वो अलग कोचिंग उसने ज्वाइन कर ली, इस प्रकार की बातें लिखूंगा। जब आपको 6, 5 और 3 में दिक्कत नहीं है तो आपको 26, 25 और 23 में कहां दिक्कत है कि 26 साल पहले आया, 25 साल पहले वापस लौट गया और सिंपल सी बात है आज से 23 साल पहले उसकी डेथ हो गई, यहां दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आंकड़ा और बढ़ा देता हूं, 326 साल पहले आया, 325 साल पहले लौट गया और 323 साल पूर्व सिकंदर की बेबीलोन में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब इस प्रकार से ये देखो ईसा पूर्व के आंकड़े क्या चलेंगे, साथ ही उल्टे चलेंगे और ईसा सन वाले आंकड़े क्या चलेंगे, यहाँ पे सीधे चलेंगे। समझ में आई होगी इतनी बातें बढ़िया तरीके से। ये हमारा इतिहास का वर्गीकरण था, इतिहास का वर्गीकरण है, आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा और इसका आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले लो, ठीक है। इसके बाद में अपने आगे कुछ बेसिक बातें हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, यहां तक की बातें हमने साथियों कंप्लीट कर ली है और ये एक बार दोबारा आपको मैं बात बता देता हूं, पूरा सीक्वेंस है। 30 से 40 हजार साल पहले ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ, धीरे धीरे उसके शरीर में कर्मागत विकास होता गया, फिर जाके उसने आग का आविष्कार किया, फिर उसके शारीरिक विकास और होता गया, नवपाषाण काल में खेती पशुपालन स्थायी आवास और पहिए का आविष्कार उसने कर लिया, फिर इतनी चीजें होगी तो इन चीजों का व्यापार करने लगा, व्यापार करने के लिए जो है किसी न किसी लेख की किसी भाषा की जरूरत होती है, जब भाषा आदमी सीख जाता है तो उसको क्या मानेंगे हम, सभ्य मानेंगे, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हुई। इसके बाद में जो है ये सभ्यता विकसित हो गई तो मध्य एशिया लोगों का अर्थात आर्यों का अटैक हुआ, आर्यों ने जो संस्कृति चलाई उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं, जिसके 2 भाग बने। उसके बाद में क्या हुआ था, वैदिक संस्कृति में राजा या कुछ प्रमुख लोग हैं वो शासन चलाने लगे, तो धीरे धीरे जो है राज्य की कल्पना भी होने लगी, राज्य का निर्माण, और उस समय के जो राज्य स्टेट बने उनको जनपद कहा जाने लगा। जनपदों के अंदर जो है वो मुख्य मुख्य राजवंश हुए और जनपदों में धार्मिक गतिविधियां चलाने के लिए, लोगों को धर्म कर्म से जोड़ने के लिए और राजा और राज्य का और अपने अपने कर्तव्यों का महत्व समझाने के लिए जो है धर्मों की आवश्यकता पड़ी और परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होगी। इसके बाद में क्या हुआ था कि प्राचीन भारत काल में हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य का टाइम भी आया और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन टाइम कहा जाता है, और उस समय भारत सोने की चिड़िया थी। जब सोने की चिड़िया थी तो भारत के चर्चे दुनिया के सभी देशों में फैल गए, तब मध्यकालीन भारत शुरू होता है, जब पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमारे भारत पे अटैक करता है, और इसके बाद में क्या होता है,
पहले मोहम्मद बिन कासिम है, उसके बाद में आगे और लोग आते गए, जैसे मान लो गजनवी आ गया है, गोरी आ गया है, उसके बाद में अन्य जो सल्तनत काल आ जाता है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, मुगल वंश है, ये आगे मुगलों का अंतिम राजा औरंगजेब यहाँ पे मर जाता है, जो 1707 में हालांकि बाद में चलता रहा था, लेकिन मुख्य जो इनकी सत्ता थी वो औरंगजेब के काल में पतन होना शुरू हो गया था। इसके बाद के लगभग जो राजा बड़े मुगलों में वो अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, इसलिए हम मुगल काल यहाँ पे खत्म मानते हैं। तो 712 से 1707 तक का टाइम पीरियड क्या कहलाया साथियों, मध्यकालीन इतिहास। और उसके बाद में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने 1707 से लेकर इनका प्रभाव 1947 तक रहा था, तो इस काल को हम क्या कहेंगे, आधुनिक काल कहेंगे। ईसवी और ईसा पूर्व की जो बातें हैं वो मैंने बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। ये चीजें समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, अगर इनको ना समझे तो यही लगता है जो मैंने पहले आपको कहानी बताई थी कि कोई आदमी पहले मर गया, बाद में जन्मा, फिर लौटा, ऐसा नहीं होता है, उल्टे चलते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक की बातें आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई हमारी सबकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका बढ़िया तरीके से ले लो। अब देखो इसका जो पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल है। जैसे इनका पॉइंट आएगा, जैसे इस टॉपिक को अपने पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। यहाँ केवल आपको जो फॉर्मेट क्लियर करवाया है मैंने, केवल डिटेल नहीं करवाई है, डिटेल साथियों आपको मैं अब करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कि विश्व इतिहास का जनक कौन है, विश्व इतिहास का जनक किसको माना जाता है, विश्व इतिहास का जनक पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास का जनक पढ़ेंगे, और इसके बाद में अपन लोग बात करेंगे राजस्थान इतिहास का जनक, ठीक है। तो देखो एक बात यहां पे आती है कि भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक मानते हैं किसको, वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी का ग्रंथ हो जाएगा महाभारत। कौन सा हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को, और कर्नल जेम्स टोड जो है उनकी रचना थी, सबसे मुख्य रचना इनकी थी, हिंदी में लिख देता हूं मैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसकी रचना हो जाएगी साथियों, कर्नल जेम्स टोड की रचना हो जाएगी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास है, और राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विश्व इतिहास का जो जनक है वो कहलाएगा हेरोडोटस, विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक जो है वो कहलाएगा कौन, हेरोडोटस कहलाएगा, और हेरोडोटस जो है उसका ग्रंथ रहेगा जिसका नाम रहेगा हिस्टोरिका। कौन सा ग्रंथ रहेगा, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका किसकी रचना हो जाएगी, हेरोडोटस की रचना हो जाएगी। अब देखो साथियों हम ये फॉर्मेट हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद में अपन लोग बात करेंगे कि पाषाण काल के जितने भी पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं, उनकी डिटेल करेंगे, फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, फिर हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे राजा महाराजाओं, इनकी बात करेंगे, और राजा महाराजाओं के अंदर जो है वो राजस्थान इतिहास के या भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं उनकी उपलब्धियां, उनके युद्ध, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो एक चीज और है कि राजपूताने का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो राजपूताने के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण जो बात है वो प्रचलित है, और वो महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि 12 वर्ष तक कुकर जिए, 12 वर्ष तक कुकर मतलब कुत्ता, 12 वर्ष तक कुकर जिए, 13 जिए सियार,
बारह बरस तक कुकर जिए, तेरा जिए सियार, बरस अठारह क्षत्रिय जिए, आगे जिए को हो धिक्कार। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 12 वर्ष तक तो है वो कुत्ते की आयु होती है, 13 वर्ष तक सियार जीता है और लगभग 18 वर्ष तक एक क्षत्रिय की आयु जो है वो मानी जाती है, क्योंकि एक क्षत्रिय है वो लगभग 18 साल की उम्र से पहले ही युद्ध लड़ना, 10-10 साल की उम्र में ही युद्ध लड़ना प्रारंभ कर देता है और इतने युद्ध लड़ लेता है कि ज्यादा लंबा जीवन काल उसका नहीं होता है। लगभग जो है 18 साल की उम्र में लगभग जो क्षत्रिय है वो वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे, उससे ज्यादा कम लोग ही जीवित रहे। एक समय राजपुताने में ऐसा भी आया था कि जब 18 साल से अधिक आयु के लड़के मिलने ही राजपूत समाज में बंद हो गए थे और वीरांगनाएं हो गई थी, मतलब इतने बलिदानी लोग हुआ करते थे कि 10-11 साल से ही शासन संभालना, राज्य की रक्षा करना, ये धर्म कर्म के कार्य शुरू कर देते थे और 18 साल से कम उम्र की आयु के अंदर ही वो वीर गति को प्राप्त हो जाया करते थे। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें, रोचक बातें, कहानियों पर आधारित जितने भी फैक्ट्स हैं इतिहास के, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।